नमस्ते, मैं हूँ पूजा विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं डेली डायरी न्यूज। आज हमारी पूरी टीम हरिद्वार आई है। गंगा सभा के महामंत्री हैं तन्मय वशिष्ठ। आज हम इनसे बात करने वाले हैं हरिद्वार के बारे में, आस्था के बारे में, श्रद्धालुओं के बारे में, यहाँ पर कैसा लगता है, गंगा आरती कैसे होती है, सारी बातें करेंगे आज हम। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगी श्रद्धालुओं से। यहाँ पर हजारों श्रद्धालु आते हैं, इस पर क्या कहेंगे आप, कैसा लगता है, कैसे पूजा होती है, कुछ बताइए। देखिए, अगर हम हिंदुस्तान की, भारतवर्ष की बात करें, तो हमारा देश धर्म प्रधान देश है और आस्था और अपने धर्म में, अपनी परंपराओं में आस्था हमारी संस्कृति का और हमारे जो समाज है उसका वो आधार है। और हम सनातन धर्म की अगर बात करें, हिंदू धर्म की बात करें, तो हर की पौड़ी हमारी आस्था का केंद्र बिंदु है, हमारी संस्कृति का केंद्र बिंदु है। जैसा आप जानते हैं, माँ गंगा जीवनदायिनी ही नहीं मोक्षदायिनी भी है, और माँ गंगा हमारी संस्कृति का आधार है। और माँ गंगा के जो तीर्थ है उनमें से प्रमुख रूप से हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड का अपना एक विशेष महत्व है, क्योंकि मान्यता ये है कि जो अमृत की जो बूंदें हैं वो ब्रह्मकुंड पर आकर गिरी थी, तब से यहाँ स्नान करने से जो पुण्य का लाभ होता है। और आप जानते हैं कि प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ उसी ज्योतिषीय योग पर पड़ता है जो कि इस साल पड़ा था, और लाखों करोड़ों की संख्या में लोग हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड पर आकर स्नान करते हैं। एकादशी होती है, सोमती होती है, पूर्णिमा होती है, और अनेक ऐसे विशेष पर्व होते हैं, और रोज़ में भी हजारों लाखों लोग आते हैं, अपनी धार्मिक मान्यताओं और आस्थाओं के अनुरूप यहाँ पर स्नान करते हैं, माँ गंगा की आरती करते हैं। और विशेष रूप से जो किसी के परिवारजन जिनकी मृत्यु हो जाती है, उनकी अस्थियाँ लेकर यहाँ प्रवाहित करने के लिए आते हैं कि जिससे उनको मोक्ष प्राप्त हो। सर, हरिद्वार कहा जाता है कि हरि का द्वार है, इसके ऊपर क्या कहेंगे, लोगों को कितनी, मतलब लोगों को श्रद्धा होती है, बहुत बहुत ही भावपूर्ण तरीके से यहाँ पर आते हैं, पूजा करने आते हैं, और ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ पर गंगा में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं, तो इसके ऊपर कुछ बताइए। देखिए, हरिद्वार हरि का भी द्वार है और हर का भी द्वार है, क्योंकि भगवान बद्री का भी द्वार है और भगवान केदारनाथ का भी द्वार है। तो हरिद्वार हरि का भी द्वार, हर का भी द्वार, और गंगा द्वार भी हरिद्वार को माना जाता है। क्योंकि अगर आप यहाँ से करेंगे तो जब हम चारों धाम की यात्रा प्रारंभ करते हैं, भगवान बद्रीनाथ की यात्रा प्रारंभ करते हैं, भगवान केदारनाथ की यात्रा प्रारंभ करते हैं, तो मान्यता यही है कि माँ गंगा में स्नान करके हम उस यात्रा को प्रारंभ करते हैं, और तभी से इसका जो नाम है वो हरिद्वार और हरिद्वार के रूप में विश्वविख्यात है। कोविड चल रहा था कुछ टाइम से और सब कुछ बंद था, उसके बाद ये खुला है कुछ टाइम से, कुछ लोग आने शुरू हुए हैं, लेकिन फिर से कोविड शुरू हो रहा है, इसके ऊपर क्या कहेंगे, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा कोविड के दौरान और इसके बाद लोग आ रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से पूरे विश्व के लिए एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण वो समय रहा है, और आप जानते हैं कि सार्वजनिक और धार्मिक स्थलों के लिए और अधिक चुनौतीपूर्ण रहा है, क्योंकि जो गाइडलाइंस जारी हुई थी, जो SOPs जारी हुई थी, उसमें धार्मिक स्थलों पे बड़ी गैदरिंग्स जो हैं वो अलाउड नहीं थी, क्योंकि धर्म स्थलों में, हमारे मंदिरों में, हमारे हर की पौड़ी जैसे विश्व विख्यात धार्मिक स्थलों पर एक समय में हजारों लाखों की संख्या में लोग रहते हैं, और उस SOPs में ये चीज़ें प्रतिबंधित थी। तो निश्चित रूप से 1-1.5 वर्ष बहुत चुनौतीपूर्ण रहा, और वो चुनौती और अधिक इसलिए पड़ गई क्योंकि इसी वर्ष में कुंभ का भी आयोजन होना था, कि जो 12 प्रत्येक 12 वर्ष में जो आयोजित होता है, देश विदेश से करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, तो बहुत चुनौतीपूर्ण वो समय रहा। हमने वो स्थिति देखी कि लॉकडाउन होता था, परंपराओं के निर्वहन के लिए माँ गंगा की आरती के लिए 5 पुजारी हमारे जो वो आया करते थे, माँ गंगा की सुबह शाम आरती करते थे, सफाई होती थी यहाँ पर, जो सफाई करने वाले जो स्वयं सेवक हैं वो सफाई करते थे, श्रद्धालुओं का प्रवेश क्योंकि सड़कों पर निकलना ही प्रतिबंधित था, तो एक अभूतपूर्व स्थिति का हमने अनुभव किया। और माँ गंगा से हमने नियमित यही प्रार्थना की कि ये जो स्थिति है ये दोबारा कभी ना आए। मैं कहूँगा कि माँ गंगा के आशीर्वाद से वर्तमान में हम एक बहुत अच्छी स्थिति में हैं, और कोरोना से काफ़ी हद तक हम बाहर निकलने में सफल हुए हैं, और लोगों ने भी बहुत त्याग भी किया है, अपनी धार्मिक भावनाओं पर नियंत्रण भी किया है, लेकिन पिछले कुछ माह से जो स्थिति बहुत सामान्य की ओर है। अगर हम हर की पौड़ी और हरिद्वार की बात करें तो उसी संख्या में श्रद्धालु जैसे पूर्व प्री कोविड काल जिसे हम कह सकते हैं उसमें आया करते थे, इसी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, अपनी धार्मिक जिज्ञासाओं को शांत कर रहे हैं, अपनी परंपराओं का निर्वहन कर रहे हैं, धार्मिक कृत्य जो भी हैं, चाहे वो पूजा पाठ है, स्नान है, आरती है, अस्थि प्रवाह है, उन सबको नियमित रूप से कर रहे हैं।
सर आखिरी में गंगा आरती, उसके लिए हम इंतजार कर रहे हैं काफी टाइम से, भावपूर्ण हृदय से देखना चाहते हैं उसे, उसके बारे में कुछ बताएं, कितनी सुंदर होती है। देखिए, विश्व की प्राचीनतम गंगा आरती जो है वो हर की पौड़ी पर होती है, और हमने प्रयास ये किया है कि उसकी जो प्राचीनता है उसको समाप्त ना किया जाए, और जो महत्व होता है वो स्थान का होता है, जो भी पौराणिक स्थान हैं जिनकी धार्मिक मान्यताएं हैं उसमें अपने आप एक ऊर्जा का संचार होता है। माँ गंगा का विस्तार तो गोमुख से लेकर गंगा सागर तक है, पूरी माँ गंगा का जो क्षेत्र है कहीं भी माँ गंगा की आरती की जा सकती है, लेकिन जब हम ऐसे पौराणिक स्थलों पर जिनकी धार्मिक मान्यताएं हैं, जिनके साथ बहुत सारी कथाएं भी जुड़ी हैं, जब इस तरह का हम कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से एक बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, और एक अलग ही विहंगमता, एक अलग ही सकारात्मकता वहाँ पर उत्पन्न होती है, और जो भी उसका दर्शन करते हैं निश्चित रूप से वो एक अलग ही अनुभूति लेकर यहाँ से जाते हैं।